Class 3 Science Chapter 6 Birds Notebook Work Part 2. Hello, kids. Welcome to your science class. I hope you all are fit and fine at your places. So, students, yesterday we have completed flowchart, diagram, and new words of your chapter 6. And today we will do short answer questions and long answer questions of chapter 6.

एंड आफ्टर देन यू विल अंडरलाइन देट हैडिंग आपको इस हेडिंग को अंडरलाइन करना है ओके सो नाउ राइट क्वेश्चन नंबर वन वट डू यू अंडरस्टैंड बाय पचिंग वट डू यू अंडरस्टैंड बाय पचिंग पचिंग से आप क्या समझते हैं वट डू अंडरस्टैंड बाय पचिंग आफ्टर देन यूल द आंसर ऑफ क्वेश्चन वन बर्ड्स होल्ड द ब्रांच ऑफ अ ट्री टू रेस्ट एंड स्लीप विदाउट फॉलिंग दिस इज कॉल्ड पचिंग यानी बर्ड्स क्या करते हैं वो ट्री की ब्रांच को होल्ड करते हैं रेस्ट करने के लिए स्लीप करने के लिए और ऐसे होल्ड करते हैं ताकि वो ना गिरे ओके okay? बिना गिरे वो होल्ड करे रखते हैं और रेस्ट भी कर लेते हैं स्लीप भी कर लेते हैं उस पोजीशन में सो दिस पोजीशन इज कॉल्ड पॉचिंग ओके आफ्टर राइटिंग द फर्स्ट आंसर यू विल ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ योर स्केल ओके आफ्टर देन यू विल राइट क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन टू हाउ इज द बीक ऑफ अ डक डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ पैरट वट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन टू कि जो डक की बीक होती है वो पैरट की बीक से कैसे डिफरेंट होती है कैसे अलग होती है देन यू विल राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू पैरट्स हैव अ कर्फ बीक वाइल डक्स हैव ब्लंट प्रॉड एंड फ्लैट बीक देखिए बेटा जो पैरट्स की बीक होती है वो कर्व्ड होती है घुमावदार एंड जबकि जो डक्स की बीक होती है वो कैसी होती है ब्लंट ब्रॉड एंड फ्लैट तो सो बिकॉज ऑफ दिस दे देयर बीक इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ओके आफ्टर कंप्लीटिंग द आंसर टू यू विल ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ योर स्केल लीव वन लाइन एंड देन राइट क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाते हैं वाई डू बर्ड्स बिल्ड ने आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू लेग एंड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस ओके बर्ड्स किस लिए नेस्ट बनाते हैं ताकि वो अपने एग्स को वहाँ ले कर सकें और अपने यंग वंस की देखभाल कर सकें सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस ओके After completing the answer 3, you will draw a line once again like this with the help of your scale. Students, now our short questions are completed. We have only 3 short questions in this chapter. Now, you will write long answer questions from the next page. Firstly, you will write the heading long answer question and then you will underline this heading like this. Okay? Then you will write question 1. नेम द स्टोक्स परफॉर्म्ड वैन अ बर्ड फ्लाइज यानी जब एक बर्ड फ्लाई करता है तो कौन कौन सी स्टॉक्स परफॉर्म करता है आंसर यू विल राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन वन देर आर टू स्टोक्स परफॉर्म्ड वैन अ बर्ड फ्लाईज विच आर द टू स्टॉक नंबर वन अपस्ट्रॉक नंबर टू डाउन स्टॉक वट इज द अपस्टोक अपस्टॉक the wings move upward and backward and downstroke the wings move downward and forward okay i also explained you what is the meaning of upstroke and downstroke when i explaining you the chapter so i hope you know what is upstroke and what is downstroke okay now question 1 is completed now draw a line with a scale like this and leave one line then you will write question two. Question two. How is the bird different from other animals? Egg bird baki animals different hai? You will write the answer. Birds have feather and hollow bones. They do not have teeth. They use their beak and claws to catch, hold and eat food with. विच सेपरेट स्टैम फ्रॉम अदर एनिमल्स स्टूडेंट्स जो बर्ड होती हैं उनके पास फैदो होते हैं और उनकी बोन्स कैसे होती है होलो होती हैं ओके एंड दे डू नॉट हैव टीथ और उनके पास टीथ भी नहीं होते हैं दे यूज़ द बीक्स एंड क्लॉस टू कैच होल्ड एंड ईट फूड वो अपने बीक्स और क्लॉस का यूज़ करती हैं ताकि वो चीज़ों को होल्ड कर सकें उनको ईट कर सकें ओके विच सेपरेट स्टैम फ्राम अदर एनिमल जो उनको बाकी एनिमल्स से अलग बनाता है